हेलो स्टूडेंट्स, अगर आपको इस चैप्टर की और ज्यादा प्रैक्टिस करनी है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप उनको चेक कर सकते हो और बहुत अच्छे से आप इस चैप्टर की प्रैक्टिस कर सकते हो। थीटा दे रखा 3 के बराबर, तो क्या टेन थीटा बेटा 3/4 आ जाएगा? अगर टेन थीटा 3/4 है तो क्या हम साइन थीटा और कॉस थीटा को निकाल के यहाँ पुट कर सकते हैं? पुट कर सकते हैं ना। तो भाई कैसे पुट करें जरा ध्यान से देखना, ठीक है? तो यहाँ पे अगर हम ट्राइंगल बना लें, यहाँ पे क्या करें, अगर मैं एक ट्राइंगल बना लूं यहाँ पे और ये थीटा एंगल है, तो अगर मैं बात करूं टेन थीटा की, तो टेन थीटा है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो पाइथागोरस लगा लो यहाँ पे एबीसी में, जरा पाइथागोरस लगा लो भाई। अगर हम पाइथागोरस लगाएंगे, ठीक है, पाइथागोरस से क्या ये 5 आ जाएगी वैल्यू, यस और नो? क्या पाइथागोरस से ये वैल्यू 5 आ जाएगी, यस और नो? तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस का 4 का स्क्वायर, कुछ ऐसा आएगा, जरा चेक करें, कुछ ऐसा आएगा। तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 16 25, तो क्या ए सी की वैल्यू 5 आ जाएगी? क्या ए सी हमारा 5 आ जाएगा? आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर ये 5 आ गया है तो अगर मुझे साइन और कॉस चाहिए तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस यानी 3/5, और कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी? 4/5। तो कुछ ऐसी वैल्यूज आ जाएंगी, इनको जरा पुट कर देते हैं साइन थीटा और कॉस थीटा को। तो भैया 4 × साइन थीटा है 3/5, कॉस थीटा है 4/5 प्लस का 1 अपॉन 4 × 3/5 प्लस का 4/5 माइनस का 1। तो 4 × 12 upon 5 minus 4 upon 5 plus 1 upon 12 upon 5 plus 4 by 5 minus 1 एलसीएम ले लो 5। तो अगर 5 एलसीएम लिया तो 12 माइनस 4 प्लस 5, यहाँ पे लिया तो 12 प्लस 4 माइनस का 5, 5 उड़ा दो, 12 5 17, 17 में 4 गया कितना, 13 नहीं, हाँ 13, और ये 16 में से 5 गया 11, 13/11 कितना आ रहा है आपका? क्या आपका आंसर 13/11 आ रहा है क्या? 13/11 चेक करें, ठीक है, आ गया सबका 13/11, क्लियर सबको, अब यहां पे एक चीज और है, कॉस से डिवाइड कर सकते थे तो यहां पे 10 आ जाता, यहां 1, यहां sec थीटा आ जाता, तो sec थीटा की वैल्यू पुट करनी पड़ती। तो ये थोड़ा सा डायरेक्टली डाउट क्लियर हो गया, तो आप लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दिखा सकते हैं।